फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आपकी आईसी की प्रिंट डैमेज हो गई है, उसको कैसे ठीक करें, उसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपकी डेली लाते रहेंगे। तो ये जो ट्रैक शॉर्ट हो जाती है, आप इसके ऊपर सोल्डरिंग आयरन इसके ऊपर ज़्यादा रगड़ते हो, इसकी वजह से भी इसकी ट्रैक शॉर्ट हो जाती है। तो अभी हम आपको बताएंगे हम किस तरीके से इसको ठीक करते हैं। तो हम वीडियो को थोड़ा सा स्पीड रखेंगे और आपको देखना है हम किस तरीके से करते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा, हमने इसको स्क्रैच कर दिया है आगे से, और हमने जो ब्लेड चलाया है वो एकदम हल्के हाथों से ही चलाना है। आपको भी ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, उसकी ट्रैक भी कट हो सकती है। तो देखिए, अभी हम यहाँ पे यूवी मास्क लगाएंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आपको क्या करना है, स्टेंसिल इसके ऊपर रखनी है आईसी के ऊपर, और आपको इसकी बॉल्स प्रॉपर तरीके से दिखाई देगी। और आपको दोस्तों एक सुई लेना है, सुई एकदम आपकी पतली वाली होनी चाहिए, आपको जाली वाली सुई का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए, आपको इस तरीके से इसको स्क्रैच करना है। देखिए मैं किस तरीके से इसको घुमाता हूँ, और उसमें जो यूवी ग्लू है हमारी बॉल्स के ऊपर, उसको आपको सही से क्लीन करना है। देखिए इस तरीके से, आपको 5 या 10 मिनट का टाइम लग सकता है, तो आपको एकदम आराम से ही करना है। आपने जो यूवी मास्क लगाया है, आपकी कोई भी बॉल्स मिस नहीं होनी चाहिए, आपको आराम से इसको करना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे इसको क्लीनिंग कर दिया है। देखिए अभी मैं आपको स्टेंसिल रिमूव करके भी दिखा रहा हूँ, मतलब कि हमने इसको स्क्रैच किया, हमारी बॉल्स प्रॉपर तरीके से दिखाई देती है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे आईसी को रिबॉलिंग करते हैं, और रिबॉलिंग करने के बाद आपको दिखाएंगे कि हमारी जो बॉल्स हमारी शॉर्टिंग थी वो भी है कि नहीं, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमारी आईसी प्रॉपर तरीके से रिबॉलिंग हो चुकी है। तो आपने देखा कि हमने इसको किस तरीके से ठीक किया, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो ट्रैक पहले शॉर्ट थी वो कंप्लीट तरीके से ठीक हो चुकी है। तो आप साइड में देख सकते हो 2-3 बॉल छूट गया है, तो हमने कुछ इस तरीके से स्पीड में इसको रिबॉलिंग किया है। मेरा आपको दिखाने का यही था कि हमारी जो ट्रैक थी वो शॉर्टिंग थी, उसको कैसे हमने ठीक किया। फ्रेंड्स, तो आप इसके बारे में सब कुछ समझ चुके होंगे। तो इनकेस कोई भी आपके पास ऐसा फ़ोन आए, आपकी आईसी इस मार्केट में मिलती नहीं है और आपकी ट्रैक शॉर्ट हो जाती है, तो कुछ आपको इस तरीके से करना है। तो आप इसके ऊपर ब्लेड चलाओ, तो ब्लेड आपको हल्के हाथों से ही चलाना है, वरना आपका ट्रैक कट भी हो सकता है। फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।